हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू पिकेटेक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आम वायुमंडल विभिन्न प्रकार गैस रही थाए। तो यही गैस गुड़िक मध्य विभिन्न प्रकार गैस किसी जहाँकि आम उपकार आसी थाए आमपाई फायदामंद होता है, किसी गैस आम अपकार मान कि आम क्षति करें। तो यही आम नित्य व्यवहार करुवा विभिन्न जिनस गुड़िक भितर के गैस सब भरी रही आम आम पारिपार्श्व व्यवहार करुवा आम से जो नित्य जिनस अच्छी से जिनस सब के गैस भरी रही विषय जानवा यही वीडियो माध्यम रे। तो वीडियो टी संपूर्ण शेष पर्यटन देखु, निश्चय वीडियो टी आपको बहुत भल लगे। वीडियो टी आपको भल लगे निश्चय वीडियो टी शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। आदि आम चैनल आपने नुआ देखुं निश्चय आम चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करदे समस्त अनुरोध। तो चलतु आउ डेरी नक जाना आज वीडियोर प्रथम अच्छी आम रेफ्रिजरेटर एसी रे फ्रिज आउ एसी रे क्यों गैस व्यवहार कराए। तो फ्रेंड्स, कही रखुची कि आम व्यवहार करता फ्रिज एवं एसी यहाँ आम शीतताप नियंत्रक बा फ्रिज को हूँ आम विभिन्न प्रकार खाद्य को संरक्षण व्यवहार कर। तो यही फ्रिज रे टेट्राफ्लोरिथेन बा आर 134 ए गैस रही थाए, एवं फ्रिज रे फोरन आर 438 ए गैस रही थाए। तो परवर्ती देखिए आम चिप्स पैकेट। तो आपण मैंने चिप्स खाऊ कुरकुरे खाऊ आपने देखी चिप्स पैकेट सब भर कि एयार रही थाए जहाँकि चिप्स पैकेट को फुलला भाई रही थाए। तो यही चिप्स पैकेट कौ गैस थाए? तो फ्रेंड्स, कही रखुच यही चिप्स पैकेट भितर आम थाए नाइट्रोजन गैस। तो यही नाइट्रोजन गैस चिप्स पैकेट को चिप्स को बहुत दिन पर्यटन सहित रखापी व्यवहार कराए। तो परवर्त जाना फुटबल बड़ बड़ टूर्णमेंट वर्ल्ड कप खेल जा फुटबल के गैस थाए? तो फ्रेंड्स, फुटबल रे नाइट्रोजन गैस भरा हुई था, कारण नाइट्रोजन गैस हल्का होता है, फुटबल खेला खेलिया समय रे या बहुत हल्का होता है। तो परवर्ती जानवे आम थंडा पानी बा मृदु पानी जहाँ को आम खरा दिन बेस पी था। तो यही कोल्ड ड्रिंक्स कई प्रकार गैस थाए? तो फ्रेंड्स, कोल्ड ड्रिंक्स थाए कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यही कोल्ड ड्रिंक्स के CO2 बा कार्बन डाइऑक्साइड गैस थाए। सोडा द्रव्य व्यवहार पर कार्बन डाइऑक्साइड एक उत्तम पसंद, कारण यह क्षुद्र तरल पदार्थ सहित एक तरल पदार्थ सहजर शोषी थाए। CO2 एक प्रतिरक्षा माप भाव कार्य करें जहाँ मृदु पानी को सतेज रखे और संरक्षण समय तरल पदार्थ किप जीवाणु न लगे और से विषय यह जीवाणु को रोकी थाए। तो फ्रेंड्स, आप रुटी देखिथे जो घर आपर रुटी तैयारी हो तो रुटी देखिए रुटी किपर सेकवा समय बेलून पर फुली जाए था। कौन आप जानते कि यही रुटी के प्रकार गैस रही थाए? तो फ्रेंड्स, कही रखुची कि जदि रुटी ठीक फुले और से फुला भितर बेलून पर फुले तो से फुला भितर किसी जलीय बाष्प रही थाए, यहाँ भितर नाइट्रोजन थाए 78% और अम्लजान थाए 21% और किसी कार्बन डाइऑक्साइड थाए। परवर्त जाना आम फायर एक्सटिंगुइशर निआ निर्वापक जंत्र। तो आपने जानते हैं निआ जलियापी अम्लजान दरकार और लिभापी अंगारकाम दरकार। तो यही फायर एक्सटिंगुइशर निआ निर्वापक जंत्र भितर अंगारकाम थाए कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ CO2 मत कहुए यह तरल अवस्था थाए, यह मुक्त करापर यह बाष्पीभूत हो जाणी को आवश्यक अम्लजान को न आसवाई दिए और निआ को लिभापी साय कै। तो पर जाना कुकिंग सिलिंडर रोसई गैस क्यों गैस थाए? तो फ्रेंड्स, कही रखुच आप जानते हैं रोसई गैस थाए LPG गैस। तो LPG हूँ लिक्विड पेट्रोलियम गैस जहाँ को रोसे गैस भराई थाए लिक्विड फर्म थाए या गैस उपर बाहरी यह जाड़बार साय कर। तो फ्रेंड्स, परवर्त हूँ स्टोमा गैस बा पेट गैस। तो फ्रेंड्स, कही रखुच आम बेले बेले किसी तंतुजात खाद्य खाई किसी कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य खाई जहाँ को आम साधारण भाव आम पेट यह हजम करें ना जहाँकि क्षुद्र अंतनली हजम हुए ना, यह परिवर्ते यही खाद्य गुड़िक बृहत अंतल सेठे प्राकृतिक पर्यायर जीवाणु द्वारा बा बैक्टीरिया द्वारा हजम होता है। तो यही प्रक्रिया प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड और बेले बेले मिथेन गैस उत्पादन होता है जहाँ को आम गैस रूपे पाड़ आकार बाहर को निष्कासन कर। तो यही पाड़े थाए अम्लजान नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और किसी मिथेन गैस या भितर रही थाए।